गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सी राइट द डेट 31/8/20 एंड दिस टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी डूइंग ए टू जेड. ओके, ये फोर लाइन कॉपी में आपको लिखना है और मैम जब आपको वर्क देगी तभी लिखेंगे. लाइक दिस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक्स U V W X Y Z. Students, like this you have to write A to Z. और last week हमने W X Y Z किया था, उसके बाद A to Z ये है. You have to complete this in your four line copy and then submit the copy to this for submission. Now I have taken book 4. You also take out book 4. आप भी book 4 निकालिए. अब हम book 4 में written work देखेंगे और reading भी करेंगे. See, open this book like this. Like this. Okay? Here, this is the cluster. You have to write the three words. Ed में कौन कौन से words हैं वो लिखेंगे. Egg में कौन कौन से words होते हैं वो लिखना है. N में और at में. Ed में कौन कौन से words हैं, जैसे red, bed, fed. Egg में से कौन से words होते हैं, keg, peg, leg. N में कौन से हो सकते हैं, den, पेन. और एट में ऐसे आपको वर्ड्स लिखने हैं. ओके, ये जब मैम क्लास वर्क बताएंगी, आई मीन जिस दिन बताएगी उस दिन करेंगे. नाउ दिस इज द नेक्स्ट पेज, दिस इज पेज 2. अब इसकी रीडिंग करते हैं. जैसे हमने ए में किया था, याद है आपको, ए और ई में ऐसे किया था ना, वैसे ये आई में है. आई वॉवल, दिस इज वॉवल आई. आई sound is E. What is the sound of I? E. See, E, B, Ib. I, D, Id. I, G, Ig. I, Ma, Im. I, Na, In. I, P, Ip. It, it, ix, ix. अब x का साउंड क्या है, x, ix, ix. See, now next page is, this is page number 3, ib words, that means ib words. Read aloud. अब मैं read कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी read करो. B, ib, bib. This is the bib. Bib बच्चों को पहनाया जाता है, छोटे बच्चों को. N, ib, nib. N, ib, nib. ये पेन के नीचे होता है ना, लिखने के लिए जो यूज होता है वो, उसको हम कहते हैं nib.
अब राइमिंग वर्ड्स, उसी साउंड के वर्ड्स देखिए, फिब जिब रिब टिब. अब नाउ सी आई डी वर्ड्स. आई डी मीन्स इड, ह इड हिड माने छुपना, ल इड लिड, लिड माने ढक्कन. अब वही साउंड में इड साउंड के राइमिंग वर्ड्स देखिए, बिड किड, किड माने बच्चा, मिड, मिड माने बिटवीन, रिड, बिड किड मिड रिड. लाइक दिस स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड, प्रैक्टिस रीडिंग लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट पेज सी, दिस इज एन एक्टिविटी. अगेन यही सेम बुक थ्री में था ना, वही सेम एक्टिविटी. आपको इसमें इब वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई इब वर्ड्स एंड मैच देम विद द क्लस्टर बाय ड्रॉइंग लाइंस. जैसे ये इब है, अब यहाँ पे इब कहाँ कहाँ पे है आप देखिए. दिस इज हिट, दिस इज नॉट देयर, ये गलत है. किड ये भी गलत है. निब, सो इसको निब के साथ मैच करना है, ड्रॉ करना है ऐसे लाइन. बिब, ओके दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मैच इट. मिड, दिस इज रॉन्ग. फिब, मैच इट विद दिस. दिस इज लिड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इज टिब, टिब इज करेक्ट, यू कैन मैच इट विद दिस. नेक्स्ट इज रीड द वर्ड्स, कलर द बॉक्सेस विद इड वर्ड्स. आई डी माने इड वर्ड्स. सो दिस इज पेग, बिड हिड. अब इड में ये बिड है, हिड है, दिस इज ऑल करेक्ट. रिड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यू हैव टू जस्ट कलर इट. बिड को कलर करेंगे, हिड को कलर करेंगे. फिब, दिस इज इसको नहीं करना. टेड नहीं करेंगे इसको भी. रेड इसको भी नहीं करना. किड कलर इट. एंड मिड, दिस ऑल्सो यू कैन कलर इट. राइट स्टूडेंट्स, ये दिस वॉज वेरी ईजी, ये आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए नेक्स्ट पेज, दिस इज ऑल्सो रीडिंग. रीड अलाउड आई जी वर्ड्स माने इग वर्ड्स. डी, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? द इग डिग, गड्ढा खोदना. फ इग फिग, दिस इज अ फ्रूट. प इग पिग, दिस इज एन एनिमल. व इग विग, ये क्या है? नकली बाल जो लगाया जाता है नाटक के लिए, उसको हम कहते हैं विग. अब इसी साउंड में देखिए ये सब राइमिंग वर्ड्स है. चलो फिर से इसको रीड करते हैं. ड इग डिग, फ इग फिग, दिस इज फिग. प इग पिग, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पिग. व इग विग, दिस इज अ विग. राइमिंग वर्ड्स ब इग बिग, बिग माने बड़ा. गिग, स्टूडेंट देर इज नो मीनिंग फॉर दिस, ये वर्ड्स हम यूज होते हैं, इसको बस आपको रीड करना है. गिग. जिग, ज इग जिग, र इग रिग. राइट स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे आप रीड करते रहेंगे तो आपको सारे पिक्चर्स आ जाएंगे, रीडिंग भी आ जाएगी. अब देखिए नेक्स्ट पेज, ये है पेज नंबर 6. रीड द वर्ड्स, मैच देम विद द पिक्चर्स बाय ड्राइंग लाइंस. अब आप ड्रॉ लाइंस तो आप ही करेंगे, आप ही को करना है. देखो मैं दिखा सकती हूँ. दिस इज प इग पिक, पिक के साथ ड्रॉ करना है. ड इग डिग, इसके साथ. व इग विग, सॉरी दिस इज विग. एंड फ इग फिग इज दिस. राइट स्टूडेंट, दिस इज लाइक दिस, यू हैव टू मैच. एंड ये क्लस्टर वर्ड्स हैं. फिर से मैं मैम जब लिखने को कहेगी तभी आपने वर्ड्स लिखने हैं. इब में हमने कौन कौन से वर्ड्स सीखे हैं वो लिखेंगे, इड में हमने जो वर्ड सीखे इधर लिखना है, और इग में जो सीखा है वो यहाँ लिखना है. राइट स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ तक करेंगे. ओके, ये हो गया बुक 4 का.
नाउ आई विल टेक अप बुक थ्री. बुक थ्री में एक पेज है, उसको हम रीड करते हैं. सी दिस इज बुक थ्री. बुक थ्री में ये है पेज 10. ओके दिस इज बुक थ्री पेज 10. बुक थ्री है ये. अब देखिए ये सेंटेंसेस मेरे साथ साथ रीड करिए. ही एड फेड द कैट, माने कैट को ये खाना दे रहा है. ओके ही माने लड़का. ही फेड द कैट. मैग इज नियर अ केक. अब ये केक है, दिस इज अ केक. केक के पास मैग है, इस लड़की का नाम है मैग. मैग इज नियर अ केक. शी हैज़ अ पेग, माने ये क्या है, ये क्लिप है, इसके हाथ में पेग है. दिस इज टेड. दिस द नेम ऑफ दिस बॉय इज टेड. ही इज ऑन अ बेड. देखिए दिस इज अ बेड एंड ही इज सिटिंग ऑन द बेड. 10 men ran after a hen. देखिए इसमें यहाँ पे 10 हैं, ये सारे men हैं, आई मीन लड़के. ये 10 हैं, तो 10 हैं तो men हो जाता है. इफ़ इट इज़ 1 इट इज़ man. 1 से ज़्यादा है तो men. 10 men ran after a hen. दिस इज़ a hen. हैन के पीछे भाग रहे हैं. द हैन has a pen. अब हैन के पास मुंह में इसने क्या रखा हुआ है, पेन. द रेड हैन इज अंडर द बेड. अब ये रेड कलर का हैन है, ये बेड के नीचे है. अंडर मीन्स बेड के नीचे. द रेड हैन इज अंडर द बेड. राइट स्टूडेंट्स, ऐसे इसको रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रिवाइज ड्राइंग. आपको असेसमेंट में, आपको असाइनमेंट में इस बार क्या है, काइट एंड बलून. तो हम फिर से काइट और बलून रिवाइज करेंगे. मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए लाइक दिस एंड पुट इट लाइक दिस एंड इसको इसके साथ ज्वाइन करना है. फिर इसको ऐसे ज्वाइन करना है और इसको ऐसे. और अभी तक तो आपको काइट तो ड्रॉ करना आ गया होगा. ओके वी हैव डन इट 3 टाइम्स. दिस इज अ काइट. नाउ हियर कम्स द बलून. बलून आपको कैसे, जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हैं. देखिए ऐसे एंड put it like this. Now see, we will take up different colors and today I am going to use color pencil. Balloon mein dekho hum color karte. Chaliye I am using a color pencil. Okay, like this. Dekhiye aise use kar rahi hu. इसको ऐसे ऐसे करना है. देखो ऐसे करना है, इसको ऐसे ऐसे करिए. लाइक दिस यू कीप कलरिंग लाइक दिस. सी नाउ जस्ट ब्रिंग इट डाउन, बाहर नहीं निकालना. और ऐसे ओके लाइक दिस. दिस इज द बलून. अभी हम चलो करते हैं काइट में पिंक कलर. दिस इज पिंक. हमने लास्ट टाइम किया था ना, वैसे ही करेंगे इस बार भी, लेकिन इसमें हम डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे. ऐसे ऐसे करेंगे. ये पिंक हो गया. नाउ आई विल यूज सी ऑरेंज. कोई भी कलर मिक्स करके आप, जैसे कोई भी कलर आप कर लीजिए, इट विल लुक कलरफुल लाइक दिस. ओके स्टूडेंट, लाइक दिस यू हैव टू डू. नाउ सी आई एम गोइंग टू यूज सम अदर कलर. दिस इज डार्क ब्लू.
See, like this I am using it. You also do like this. और आपके असाइनमेंट में काइट और बलून नहीं, अच्छे से सुंदर सुंदर आपको करना है. सो प्रैक्टिस करो उसको ऐसे, तभी तो अच्छा लगेगा, गुड मिलेगा. अब आप इसके साथ आप कौन सा कलर करें आप बताइए. यहाँ पे साइड में हम करते हैं, वी विल डू येल्लो. ओके, वी विल डू येल्लो कलर हियर. सी लाइक दिस यू कैन डू. See, I am doing it like this. Okay, students. See, so colorful it is. The kite is so colorful. Right? So, students, अच्छे से करना है इसको. Next video में हम और करेंगे. Bye, students.